उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाए जाने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली रोड गांगन के पुल पर मिठाई वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। हर तरफ होली से पहले ही होली जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर नगर निगम मुरादाबाद के वार्ड संख्या 23 के पार्षद अशोक सैनी द्वारा पूरे क्षेत्र में मिठाई का वितरण किया गया और कहा गया कि आज हमारे लिए दीपावली का दिन है, होली का दिन है, क्योंकि हमारे नगर विधायक प्रीतेश गुप्ता ने एक बार फिर से भाजपा के परचम को लहराने का काम किया है और फिर विधायक बने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बन रही है। विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है। आज इसी खुशी में क्षेत्र की जनता अपने तरीके से प्रदर्शित कर रही है। इस दौरान डीजे पर बेहतरीन अंदाज में डांस कर खुशी का इजहार किया गया। हमारे संवाददाता ने जब वार्ड संख्या 23 के पार्षद अशोक सैनी से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज हमारे लिए खुशी का मौका है, हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी मेहनत करी और जनता का पूरा समर्थन रहा। एक एक वोट से हमारी ये विजय हुई है। सब लोगों का बहुत प्यार स्नेह रहा है और योगी मोदी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को देखते हुए जनता ने अपार वोट दिया है उन्हें, और इस बात की खुशी बहुत सभी जनता को बहुत बड़ी खुशी हुई है। एक बार फिर दोबारा से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं और हमारे विधायक मंत्री बनेंगे।